दीन के थे पुर्जा पुर्जा कठमर कहू न छाड़ा थे सतगुरां दे पावन वचना दे पहरा देण वाले श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल जिन्हां दे सतवें जथेदार सिंह साहिब जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी अकाली साध संगत जी ये जो पंथ श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल ये धन धन दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने जदों दक्खण देश तो नांदेड़ शहर श्री हजूर साहिब तो बाबे बंदा बहादुर नूं भेजिया उस समय बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं सतगुरां ने कुछ हदायतां कीतियां ते उन्हां नूं कहा कि हे बंदा सिंह तू पंज सिंघां दी अगवाई दे विच रहना ते पंजा सिंघां दे हुक्म नूं सदा मनना है कोई भी जे तैनूं जरूरत पई तां इन्हां पंजा सिंघां कोल अरदासा कराई ते मोर्चे फतेह होण उन्हां पंजा सिंघां दे विचों जिहड़े मुखी सन जथेदार बाबा विनोद सिंह साहिब जी जो इस बुढ़ा दल पंथ दे पहले जथेदार अते धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज तिन्हां दे सतवीं पीढ़ी सन बाबा विनोद सिंह जी त्रिहण कुल दे विचों आप जी सन बाबा विनोद सिंह जी ने बड़े ही सुचजे ढंग दे नाल पंथ दी अगवाई कीती पंथ नूं औखे समय दे विचों कढ़िया बाबा बंदा सिंह जी शहीदी पा गए ते तत खालसा श्री दरबार साहिब विखे आ के विराजमान हो गए जदों बाबा जी बजुर्ग हो गए तां उन्हां ने अपनी थां ते दीवान दरबारा सिंह जी नूं इस पंथ अकाली बुढ़े दल दे जथेदार स्थापना कीता बाबा दीवान सिंह जी बाबा दरबारा सिंह जी जो दीवान सन कलगीधर पातशाह जी दे नाल रह करके श्री आनंदपुर साहिब जी विखे जो भी आनंदपुर साहिब का हिसाब किताब संगतां वल्लों माया आणी किथे खर्चना बाबा जी सामने करते सन उस समय खालसे पंथ दे विच लगभग 80,000 दे नेड़े तेड़े फौजां घोड़सवार तैयार पर तैयार सिंह सूरमे श्री अमृतसर साहिब दरबार साहिब विखे पंथ दे जो छोणियां पईयां होईयां सन उत्थे खालसा पंथ सतगुरां दी ओट आसरा लै के जंग भी कर रहा सी ते जो औखे समें नूं वी सिंघ जूझ रहे सन ते बाबा दीवान दरबारा सिंह जी दे समें ही खालसे पंथ दे कोल जकरिया खान ने नवाबी भेजी ते ओह नवाबी पंथ खालसे ने पंजा सिंघां दी जुत्ती दे नाल ला करके बाबा नवाब कपूर सिंह जी नूं दित्ती ते कहिंदे बहुत विचारां होईआं कि नवाबी किस नूं दित्ती जाए फिर सिंघां ने हुक्मनामा लिया ते गुरबाणी दे विचों सतगुरां दा फरमान सी टहल महल ताको मिलै जाको साध कृपाल ते इस उस समय देखिया गया कि ऐसा केड़ा सिंघ है तां उस समय साध संगत जी बाबा नवाब कपूर सिंह जी खालसे पंथ दे विच पखा फड़ के सिंघां नूं हवा देण दी सेवा कर रहे सन ते खालसे पंथ ने देखिया कि इह भुजंगी बहुत सेवा करता है ते इस नूं ही नवाबी दित्ती जावे सो पंजा सिंघां दे कहण ते बाबा दरबारा सिंह जी जो नवाबी सी नवाब कपूर सिंह जी नूं दित्ती अते आप जी बाद दे विच श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल बाबा नवाब कपूर सिंह जी ने जदों नवाबी सांभी फिर पंथ खालसे दीआं फौजां बहुत सन ते जो लंगर इकट्ठा नहीं चलदा सी सिंघां दे आपस विच बोलबाले भी हो जांदे सन ते सिंघ दादर पुरला कर लैंदे हुंदे सन आपस इस करके खालसा पंथ दो तरां दे विच वंडिया गया बुढ़ा दल अते तरना दल जो तरना दल सन उहदे विच 40 साल तों उमर तों घट जिहड़े सिंघ सन जो जुझारू सिंघ सन ਉਹ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜੋ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਇਸ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੂ ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ
चुला करके खालसा राज स्थापित किया। उपरंत बाबा जस्सा सिंह जी विसाखी तो बाद हैजे की बीमारी के नाल आप जी का शरीर खराब हो गया, इस करके बाबा जी इस संसार विचों ज्योति जोत समा के सतगुरां दे चरणां विच विराजमान हो गए। उस समय पंथ विच विचार कीती गई कि हुण पंथ दी बागडोर किस सूरमे जरनैल नूं दित्ती जावे, तां फिर जो सूझवान सिंह सन उन्होंने विचार करके यह फैसला किया कि श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़े दल के जथेदार अकाली नैणा सिंह जी नूं बनाया जाए। अकाली नैणा सिंह जी वह गुरमुख से प्यारे सन जिन्हां ने दसवें पातशाह महाराज के दर्शन किए सन, ते बाबा दीप सिंह साहिब जी तो आप जी ने अमृत की पौ लिती, पंथ खालसे दे विच बहुत अनेक जंगा दे विच अगे हो करके सेवावां कीतियां। आप जी का जो अंगीठा स्थान है गुरद्वारा बिबेकसर साहिब सरोवर के उत्ते विराजमान है, सो जदों भी आप जी जाओ दर्शन करन इन्हां पुरातन गुरसिखां दे स्थानां ते जा करके इन्हां दी सेवा संभाल करिया करी। बाबा नैणा सिंह जी जिन्हां दे चेले अगे हुए बाबा फूला सिंह जी अकाली, बाबा नैणा सिंह जी, बाबा तपा सिंह जी ते बाबा ईश्वर सिंह जी, ये तीन गुर भाई सन। जो वड्डा घल्लूघारा होया बाबा ईश्वर सिंह जी वड्डे घल्लूघारे विच जदों फट लग गए ते अपने पुत्र दा हाथ बाबे नैणा सिंह नूं फड़ा करके कहा, जथेदार जी ये आप जी का पुत्र है, इसकी आप जी ने सेवा लैनी ते पंथ खालसे नूं इस नूं विद्या देनी। बाबा फूला सिंह जी जो बहुत ही अनेक उन्होंने कार्य किए, श्री अमृतसर साहिब विखे जदों मिसलां दा जंग होण लगा तां बाबा फूला सिंह जी आप विच जाके खड़ गए, कहिंदे इह गुरां दी नगरी है, इत्थे जे सिख सिख ते वार करेगा इह सानूं सोभा नहीं दिंदा। साध संगत जी बाबा फूला सिंह जी ने पंथ दी अगवाई कीती, ऐसी अगवाई कीती ने धड़क जरनैल सन किसी नूं नहीं डरदे सन, ते उन्हां ने नौशहरे दे जंग दे विच जदों नौशहरा फतेह कीता आप अगे हो करके हाथी उत्ते सवार सन ते दुगाड़ा आ गए, दुनाली दा वार होया ते आप जी उत्थे शहीदी प्राप्त कर गए। ते पंथ खालसे ने फिर विचार कीते कि अगला जथेदार अगला मुखी कौन होए, उस समय बजुर्ग उम्र दे विच बाबा हनुमान सिंह जी जिन्हां दी उम्र लगभग उस समय 70 साल तक दी उम्र सी उन्हां दी, ते उन्हां ने नाल रह करके बाबा दसवें पातशाह दी समय पुरातन सिंह सन उह, ते उन्हां ने जंग कीते, उन्हां नूं जथेबंदारी पंथ खालसे बुढ़े दल दी दित्ती गई। बाबा हनुमान सिंह जी ने अनेक जंग कीते, जदों सिख राज समाप्त होया अंग्रेजां दे नाल आप जी ने अगे हो करके जंग कीते, अंग्रेजां नूं दो वारी हरा दिता, तीजी वारी जदों करतारां ने गदार निकले कौम दे विचों ध्यान सिंह डोगरे वर्गे इन्हां ने जदों वैर कमाया उस समय पंथ खालसा अंग्रेजां तों जंग दे विच पैर पिछे हट गए, ते सिंघां ने विचार कीते कि हुण मालवे देश नूं हो जाईए। बाबा हनुमान सिंह जी मालवा देश च गए, जदों पटियाले जिथे अजकल गुरद्वारा दुख निवारण साहिब है इस नूं इत्थे पहलां टोभा हुंदा सी, उस नूं कहा जांदा सी निहंगां दा टोभा, इहदा नाम निहंगां दा टोभा तां पिया सी कि इत्थे पंथ ने आ के बड़ां कीता, जंग दे विचों सिंघ शहीदियां पा के आ रहे सन, सिंघां दे जख्म लगे होए सन, सट्टां लगियां होईयां सन। उस समय जदों सिंघां ने लंगर प्रशादा तैयार करन लगे ते जो पटियाले दे राजा करम सिंह सी इहदी अंग्रेजां दे नाल संधि सी, इस ने खालसा जी सिंघां दे उत्ते लंगर बनांदे होए सिंघां दे उत्ते तोपां चला दित्तियां, जदों तोपां चला दित्तियां बाबा हनुमान सिंह जी ने अपनी लोई ला के उस तोप नूं ढक दित्ता ते कह दित्ता कि इह तेरियां तोपां ते की चलणगियां, तेरा तां लंगर वी नहीं बणेगा, तो सिंघां नूं लंगर दी छकन दित्ता, तेरे घर दे विच लंगर नहीं पकेगा। 80 साल राजे करम सिंह दे जो लंगर बनता से उस विच कीड़े पै जांदे सी, ते फिर अरदास कीती कि बाद दे विच ओह भी आप जी नूं साखी दसदे हां, समां थोड़ा जिहा वध लगेगा, माफी चाहुंदे हां, पर इह पंथ दा इतिहास बहुत वड्डा विशाल है, 300 साल तों इह पंथ चलदा आ रिहा। सो बाबा हनुमान सिंह जी ने उस समय चाले पाए पटियाले तों आप जंग करते हुए कुंभड़े सुहाणे चंडीगढ़ मोहाली दे विच इह स्थान है, इत्थे आ के आप जी शहीदी पा गए, ते उस समय खालसे पंथ ने सिंघ जंग दे विचों निकलदे होए बाबा प्रहलाद सिंह जी दी अगवाई दे हेठ लगभग कहिंदे 25 सिंघ बचे सन, 25 सिंघ
सतगुरु पातशाह जी की ओट आसरा लैके जो नांदेड़ तो दौड़े सन उदो भी 25 सिंह का जथा से जो सिंह द्वारा पंजाब दे विचों जंग करके वापस नांदेड़ पहुंचे उदो 25 सिंह पहुंचे। पर उस समय अंग्रेज सरकार की नीति ऐसी सी जो खालसा पंथ 25 सिंह और बजुर्ग सिंह जंग करते हुए फटा खाते हुए श्री हजूर साहब पहुंचे तो उथे अंग्रेजा ने खबर पहुंचा दी कि यह जो निहंग आए हैं यह तखत साहब का प्रबंध लैन आए हैं, यह तखत साहब का प्रबंध आप करे सू खो देने। सो हजूरी सिंह बुढ़े दल के पाड़ पाया गया। तो उस समय जदों बाबा आला सिंह जी जो ग्रंथी हैड ग्रंथी सन तखत साहब के वह कुछ सिंह का जथा लै करके आए तो सिंह आपसी जंग होया। उस जंग के बाबा प्रहलाद सिंह जी और तखत साहब के हैड ग्रंथी उसे शहीदी प्राप्त कर गए। तो अंग्रेजा ने जो जंग होया तो उत्थे नवाब हैदराबाद की फौज आ गई। नवाब की फौज ने की किया सिंघा नूं कहा कि तुसी उन्हां दे गुरु पंथ खालसे दे जो निशान नगारे दसवीं पातशाह महाराज ने दिते सी उन्होंने कैद कर लए। गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप कैद करके हैदराबाद निजाम ने अपने कोल जब्त कर लिया। खालसे पंथ उन्हां उस समय बिहंगम सिंह रह गए ते 12 साल उन्हां सिंघा ने ऐसी घालना कमाई कि कहिंदे अमृत वेले उठ जाना करना ते कोई राजसाज कोई साज नहीं होना कड़िया के नाल आसा दी वार करनी ऐसा उन्हां दा पहरा सी अपने सरबलोच खाना। एक रात कहिंदे एक पेड़ थले दूजी रात दूजे पेड़ थले थोड़ा अगे लंघ जाना। चक्रवर्ती पहरा जो पातशाह ने दिता सी ऐसा कठिन कमाई उन्हां गुरु के खालसे प्यारिया ने कीती। फिर कहिंदे लगभग 12 साल इस तरह बीत गए ते उन्हां विचों 25 सिंघां विचों 3 सिंह बच गए। बाबा प्रहलाद सिंह जी शहीदी पा गए। उन्होंने बाद अगले जथेदार हुए बाबा ज्ञाना सिंह जी। बाबा ज्ञाना सिंह जी जो जथेदार सन 9वें जथेदार बुढ़ा दल दे उन्होंने ऐसी घालना कमाई उन्होंने सोचा 3 सिंह रह गए बाबा प्रेम सिंह जी बाबा ज्ञाना सिंह जी और एक होर बजुर्ग सिंह सन। उन्होंने विचार की कि जे असी इत्थे रहिंदे रहे तो पंथ तो समाप्त हो जाएगा। पंजाब दे विच अंग्रेजा ने राज कर लिया तो असी पंथ नूं फिर मुड़ सुरजीत करी। बाबा प्रेम सिंह जी अरदासा सोध के हैदराबाद गए। हैदराबाद जिथे राजे का किला सी नवाब का उहदे बाहर जाके उन्होंने फौजां नूं कहा कि सानू असी मिलना राजे। उन्होंने समां नहीं दिता नवाब नूं मिलन दा। बाबा जी बाहर खड़े रहे। फिर कहिंदे बाबे कहिंदे चलो कोई गल नहीं आंदा ते नहीं एक अपने स्रोत्र फड़िया हाथ विच ते जाप करन लग पए। 2 दिन खड़ के जाप कीता 48 घंटे उत्थे ते कहिंदे नवाब बाहर निकलन लगा। जदों नवाब सैर करन वास्ते रथ उत्ते निकलिया उहदे चक्कियां नूं रथ दे अग लग गई। जदों अग लग गई उन्होंने अग बुझाई। फिर नवाब अंदर महल च गया उत्थे महल च अग लग पई। जदों उन्होंने इस तरह 3-4 वारी वक्री वक्री थावां ते अग लगी तां राजे नूं चिंता हुई ते उन्हें अपने वड्डे वड्डे ज्योतिषी ते उन्होंने कहा कि कारण की है कि अग अपने आप क्यों लग गई। उन्होंने सिट्टा यह कढ़िया कि कोई साधु महात्मा तुहाडा इंतजार कर रहा है ते उहदी खेड़ है। वह कहिंदा दसो कोई आया सी ते फौजदारां ने सिपाहियां ने दस्सिया कि हाँ जी एक बाबा आया वह बाहर खड़ा है। वह कहिंदे उहनूं बुला के लियाओ बाबे। ते बाबा प्रेम सिंह जी बाहर खड़े फौजदार सिपाही आए। उन्होंने कहा कि तुहानूं नवाब साहिब मिलना चाहते हैं। कहिंदे जदों असीं जांदे सी बाबा प्रेम सिंह जी ने जवाब दिता जदों असीं जांदे सी उदों तां मिलदा नहीं सी हुण सानूं कोई जरूरत नहीं उहनूं मिलन दी जे उहनूं लोड़ है तां सानूं बाहर आ के मिल। ऐसा खालसा खुद खुदा वसूल में बिहंगम ब्रह्म ज्ञानी महापुरख होए। उन्होंने खालसा जी जदों राजे नूं समझाया कि साडा कसूर की सी असीं तां जंग करके आए सी राजा समझ गया उहने निशान नगारे ते उह गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप जो बाबा विनोद सिंह जी अते पुरातन सिंघां सूरमें दे हत्थां दे लिखे होए सन उह दित्ता। ते बाबा जी कहिंदे असीं तां 1.25 लाख आए हां इत्थे हैदराबाद असीं कितां लै के जावांगे तूं नाल चल। नवाब नूं नाल लै के हजूर साहिब आए ते हजूर साहिब के आ करके उसने जदों नवाब ने सारा राजसाज बुढ़े दल दा दे दित्ता 3 सिंघां दी कमाई खालसा जी। उन्हां 3 सिंघां ने उस समय पंजाब तों चाले नांदेड़ हजूर साहिब तों चाले पाए। चाले पा करके किस तरह चाले पाए कि बाबा प्रेम सिंह जी एक हाथ विच निशान साहिब अपने कमर कस्से कीता
दूजे हाथ में गड़वे दे जल भर लिया। पिछे बाबा जेडे ग्याना सिंह जी सन चोर साहब डारे नाल जेडे तीजे महापुरख सन उन्होंने अपने शीस उत्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सरूप लैकर इन्नी महान कुरबानी उन्होंने सुरमैन की याद करके पंजाब देश में सतलाणी साहब वाले महापुरखों ने वेख्या कि सिंघां दा पैरा बहुत भिंगम है, पंथ खालसे का बहुत नुकसान होया, तो उन्होंने आ करके पंजाब दे विच आ करके अमृत संचार शुरू किए। अमृत संचार किए पालजी साहिब बुढ़े दल की स्थापित हुई, तो फिर बुढ़ा दल मुड़ के किदां दसवें पातशाह तो बाद सुरजीत होया, वह बहुत बरीक बहुत भयानक समा पंथ खालसे ने गुजारिया। अंग्रेजों का हुक्म सी जिथे कोई निहंग बाणे च मिल जाए उन्होंने छूट कर दो, गोली मार दो, ये राक्षस ने इन्हां नूं जीण नहीं देना। ते सिंघां ने पंजाब दे विच पंथ खालसे दा पहला सुरजीत किया। बाबा ज्ञान सिंह जी तो बाद अगले मुखी बाबा तेजा सिंह जी जो पंथ खालसे दे जथेदार हुए हैं। बाबा तेजा सिंह जी दे समय ही एस जी पी सी बनी, तो एस जी पी सी ने पंथ खालसे कोलों जो श्री अकाल तख्त साहिब अते होर गुरद्वारियां दा प्रबंध अपने हत्थां विच लिया। उस समय साध संगत जी जदों ये फैसला होया कि ये प्रबंध तुसीं सांभो गए, उस समय एक सौंह पाई गई सी गुरु हरगोबिंद साहब की सौंह पा के फैसला किया सी कि जे तुसीं मर्यादा बदली तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज साक्षी हो। सो इन्होंने बहुत समा बीतिया, लगभग 12 साल जो बीत गए 1920 तो बाद फिर बाबा तेजा सिंह जी बुजुर्ग हो गए। वो गुरज अकाली फूला सिंह जी के अपने स्थान पर रहते रहे, तो बाबा साहिब सिंह जी जा करके रोज शाम श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा सेवा करते सन। बाबा साहिब सिंह जी उस समय मीर जथेदार सन, घोड़िया के जथेदार सन, पर आप जी सेवा करते। जो बाबा जी गए एक दिन की गल सी, अज गल बड़िया उठदियां कि दसम गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश नहीं करना। हुण वो साखी दसन लगा कि सरूप उसमें चक्या गया प्रकाश श्री आदि गुरु ग्रंथ साहिब श्री दसम गुरु ग्रंथ साहिब जी का श्री अकाल तख्त साहिब से सी रहराज साहिब का पाठ होया। पाठ होने उपरंत हुक्मनामे की वारी आई, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी का हुक्मनामा लिया गया। बाबा साहिब सिंह जी ने बेनती की हुक्म, जदों श्री दसम गुरु ग्रंथ साहिब के हुक्मनामे की वारी आई तो उन्होंने कहा भाई दसम गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा लो। उन्होंने उसे जो उस समय के मुलाजम सन बहुत टास्क फोर्स से उन्होंने कहा बाबा वो समा होर सी, ये समा होर है। इन्ना कह करके बरछा फड़िया होया सी, बरछे दे नाल पालकी साहब उत्ते जिथे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का दसम पातशाह का सरूप सी, बरछा पा करके श्री अकाल तख्त साहिब जी तो थले दसम पातशाह का सरूप उन्होंने सटे। इन्नी बेअदबी की उस समय जो पुरातन अकाल तख्त साहिब से उदियां पौड़ियां अंदरले पासों नहीं जांदियां सन, अज जिहड़ा है उदियां पौड़ियां बाहरले पासों पर चढ़दे। बाबा साहिब सिंह जी थले गए, उन्होंने सतगुरों का सरूप अपने मोढ़े ते, क्यों महाकाल सिंह सन, महाकाल सिंह की मर्यादा की निशान के उत्ते जब फरला होंदा तो उत्ते सिर ते केस चीज से सतगुरों का सरूप भी नहीं धर सकते, ये मर्यादा तला मंथा में सिखाई जाती। बाबा साहिब सिंह जी ने सरूप सतगुरों का वस्त्र में लै करके कोठा साहिब से जा रहे सन, पौड़ियां चढ़ रहे अंदर पास। जो पौड़ियां चढ़ रहे सन इन्हां दुष्टां ने उन्होंने डांगां दे नाल बरछियां दे नाल वार कीते, ते बाबा जी दी सज्जी बांह उन्होंने तोड़ दिती। बाबा जी उतों सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं अरदास बेनती करके हे पातशाह जिन्ने असीं बल जोगे सां असीं सेवा कीती, हुण आप ही अपनी सेवा आपे निभा लैणा। उस दिन तो बाद श्री अकाल तख्त साहिब जी ते श्री दसम गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश नहीं होया। सो खालसा जी ये सानू जागना पैना नहीं ध्यान, जे असी ना प्रकाश किया तो कल नू फिर गल्लां बाणी पढ़न तो भी मना कर देंगे। सो विवादा में नहीं पैना वैसे, पर आपां जो मर्यादा उसते भी पहरा दे। उस तो उपरंत बाबा साहिब सिंह जी ने सेवा संभाली, तो अंग्रेजों के नाल जो लाहौर में बुढ़ा दल गया सी, अंग्रेजों के नाल किसी गल से लड़ाई हो गई, तो उन्होंने दल पंथ सारा ही कैद कर लिया, सारे निशान नगारे कैद कर ले, घोड़े बार सन सिंह गिरफ्तार कर ले। बाबा साहिब सिंह जी जेल चले गए, तो बाबा सोहन सिंह जी विधि जंदी महापुरखों ने दल पंथ की सेवा की। उन्होंने बाबा जी ने जो बाहर आए बख्शिशा कीतियां। आप जी तो बाद बाबा चेत सिंह साहिब जी जो जथेदार हुए सन इस पंथ अकाली बुढ़ा दल के, जिन्होंने बहुत भयंग भी पहरा कटिया, किन्ने किन्ने दिन कड़ाके दे विच सिंघां ने कटे। फिर उस तो उपरंत बाबा संता सिंह जी अकाली
उन्होंने इस पंथ खालसे की अगवाई की। उपरंत जलों 2006 में बाबा जी चढ़ाई किए तो बाबा सुरजीत सिंह जी अकाली जो कि घोड़िया के जथेदार सन उन्होंने दस्तार बंदी हुई। उस तो बाद बाबा प्रेम सिंह जी अकाली जो माता साहिब देवा जी के उत्ते रह करके माता साहिब देवा जी दिन जिन्होंने लगभग 30 to 40 साल रह के सेवा की उत्थे ऐसी महान उन्होंने सेवा। इस समय के मौजूदा जथेदार बाबा जी बाबा मान सिंह जी अकाली 96 करोड़ी वह इस पंथ खालसे की अगवाई कर रहे हैं जिन्होंने बहुत चंगे चे ढंग सेवावान कर रहे हैं। दिल्ली मोर्चे में अगे होकर उन्होंने अगवाई की पंथ खालसे की सेवा करते हैं। इतने वचन प्रवान करने हुई अनेक प्रकार दुना गलतियां बख्श लैनिया गुरु की संगत बख्शन योग है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की गज गज कर एक जावे निहाल हो जावे बाबा हनुमान सिंह जी के चरणों नु भाव। परम सम्मान जो गुरु प्यारे